ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको नक्शे में किसी जगह की लोकेशन मालूम करने के लिए कुछ खतूत के बारे में सिखाया है अब इनके बारे में हम आपकी किताब की पेज नंबर थ्री पे रीडिंग करेंगे लॉन्गिचूड एंड लेटीच्यूड टू मेक इट इजी फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी यूज एन आर्टिफिशियल ग्रिड मेड अप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स the vertical lines are drawn from north to south passing through the north and south poles these lines running north to south are called meridians up latitude longitude and horizontal lines are drawn from east to west parallels to the equator these lines running east to west are called parallels up latitude most good map shows these lines इक्वाइटर इज़ द लाइन ऑफ प्लेटि वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ जिस तरह मैंने आपको सिखाया कि एकटर जो है ये ज़मीन के दरमियान में ईस्ट टू वेस्ट हम ड्रा करते हैं और ये ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है ये एक फर्जी खत होता है इट डिड्स द अर्थ इन टू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमस्फेयर ये ज़मीन को शुमाली निसफ कुर्रा और जनूबी निसब कुर्रा में तकसीम करता है There are 90 parallels of latitude in each hemisphere the equator is at 0 degree and the degrees increases northwards or southwards from the equator the north pole is at 90 degrees north and the south pole is at 90 degrees south the meridians of longitude are also marked in degrees you know that there are थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल देर आर आल्सो थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज और मेरेडियंज ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द मेरेडियंस पास थ्रू द पॉल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ वन आफ दीज लाइन्स हैज़ टू बी जीरो दिस इज कार्ड द प्राइम मेरेडियन एंड इट पासिस थ्रू ग्रीन विच इंग्लैंड यानि प्राइम मेरेडियन की जो लाइन है ये मतलब बिल्कुल ग्रीन विच इंग्लैंड में मौजूद हैं यहाँ में यहाँ पर गुजरता है लाइन्स ड्रॉन टू देस्ट ऑफ़ द प्राइम मेरेडियंस आर मार्क विद डब्ल्यू अब प्राइम मेडियंस से वेस्ट की तरफ जो लाइन्स होते हैं उसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं एंड दोस्त टू द ईस्ट आर मार्क विद ई और जो ख़तूत हम ईस्ट की तरफ खींचते हैं यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ तो इसको हम ई e से मार्क करेंगे